नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती। चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं चैत्री नवरात्रि चल रही है और चैत्री नवरात्रि का शनिवार और अष्टमी, ये दोनों दिन अगर इनका संयोग बनता है, अष्टमी शनिवार के दिन पड़ती है, तो दोस्तों इसका ये अपने आप में बहुत बड़ा योग माना जाता है। अष्टमी के दिन और चैत्री नवरात्रि में आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जिसमें ना कोई पूजा है, ना पाठ है, ना जप है, ना तप है, कुछ भी नहीं है। सिंपल है लेकिन जितना सरल है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर मेरी चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली कोई भी जानकारी आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, अष्टमी के दिन आपको एक चुनरी ले आनी है, चाहे वो पहले से ला के रखें आप, जो माता जी को चुनरी चढ़ाई जाती है वो चुनरी ला के रखें और सुबह नहा धो के स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े पहने। ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, खास करके धंधे में, नौकरी में या पैसे की आवक में, अगर आपको कहीं से कोई तकलीफें पड़ रही हैं तो वो तकलीफ आपकी 100% दूर हो जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। तो आप नहा धो के स्वच्छ हों, स्वच्छ कपड़े पहने और एक लोटा में स्वच्छ जल भर लें, माता तुलसी के गमले के पास जाके आप एक घी का दीपक जला दें और दो अगरबत्ती लगा दें। माता तुलसी को सबसे पहले जो आप चुनरी लाए हैं, वो चुनरी जो पौधा है तुलसी का, उसके ऊपर उसको उड़ा दें। आपको वो पौधे को पौधा नहीं समझना है, आपको साक्षात माँ तुलसी को आप चुनरी उड़ा रहे हैं, ऐसे भाव आपके अंदर होने चाहिए। और चुनरी उड़ाने के बाद आप जो लोटा में जल लेके आए हैं, वो जल आप माता तुलसी को उसकी जड़ में अर्पित करें। चुनरी के ऊपर जल ना चढ़ाएं, चुनरी ऊपर उड़ा देनी है और जल माता तुलसी की जड़ में आपको अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद अगर पैसे आपके घर में नहीं टिक पा रहे हैं या पैसे भरपूर मात्रा में नहीं आ रहे हैं या पैसे की आपके पास कमी है, तो आप वो समस्या माता तुलसी को अपने शब्दों में बोले। कुछ भी नहीं अगर आपके समझ में आता है तो आप बोले, हे माँ कृपा करो और मेरे पैसे की कमी दूर करो, मेरे घर में पैसे की मात्रा बढ़ा दो। बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जो भी आपका कारोबार हो, चाहे भले आपकी छोटी सी नौकरी होगी, लेकिन आपके पास पैसे आने लग जाएंगे, चाहे वो किसी भी बहाने से आए, और आपका घर कभी पैसे से खाली नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये अष्टमी और शनिवार ये महासंयोग है, इस क्रिया को अवश्य कर लें और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके
दिन कैसे बदलते हैं, आपका भाग्य कैसे चमकता है, तो करते रहिए इसको समझने में। अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।